वेलकम टू न्यूज क्लिक। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरे साथ डॉक्टर राहुल नरसिम्हा राम। कौन है ये? मैंने सोचा एक वैज्ञानिक है। नहीं, फिर वो गाते हैं, गाना गाते हैं, स्टैंड अप कॉमिक हो गए। मैं आज आमंत्रण कर रहा हूं मेरा पुराने मित्र राहुल राम। राहुल नमस्ते जी। धन्यवाद न्यूज क्लिक का दर्शक को, आपने समय दिया आपका। और देखो राहुल, तुमने तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र पढ़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, फिर उसके बाद आपने चले गए अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स। वहां पे आपने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में, जो पर्यावरण क्यों दूषित हो जाता है, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, इस विषय के ऊपर पढ़ा। फिर आप ये सब नाच गान इसमें क्यों आ गए? आप इंडियन ओशन का सदस्य है, आप ऐसी तैसी डेमोक्रेसी में संजय रजौरा, वरुण ग्रोवर के साथ आप एक और सदस्य है, तो ये सब आप विज्ञान छोड़ के ये गाना में क्यों आप जोड़ गए और कब किया आपने? देखिए, मैं 1990 में अमेरिका से लौटा पीएचडी खत्म करके, और उस टाइम पे मैं अनएम्प्लॉयड पोस्ट ग्रेजुएट था, और उस टाइम पे मेरी जो बीबी थी वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ के विषय पर को लेके अपना पीएचडी कर रही थी, तो मैं भी धीरे धीरे नर्मदा आंदोलन में जुड़ गया। और तो 90 मेरे ख्याल अक्टूबर नवंबर से लेकर 95 के करीब तक मैं नर्मदा आंदोलन का सदस्य था एक्टिविस्ट के रूप में। मैं ज्यादातर दिल्ली में ही रहता था, दिल्ली में थोड़े प्रेस के चीजें और थोड़े जो पॉलिटिकल चीजें हैं उन्हें संभालता था, प्लस मैं शोध कर रहा था कि सरदार सरोवर बांध के ऊपर कि वो जो कह रहे हैं ये होगा कि नहीं, उसको क्रिटिकल एनालाइज कर रहा था मैं। और फिर बीच बीच में गांव में चले जाता था, वहां पे निमाड़ में भी और आदिवासी इलाके में भी मैंने काफी टाइम बिताया है, मगर इस काम में पैसा नहीं, आदमी कंगाल रहता है। तो मेरे कुछ दोस्त मिले जिनके साथ मैं स्कूल और कॉलेज में गिटार बजाता था। तो जब तक मैंने एक्चुअली कॉलेज छोड़ा दिल्ली में सेंट स्टीफन से 1984 में, तब तक मैं एक सेमी प्रोफेशनल म्यूजिशियन सा बन गया था। हमारा बैंड अलग अलग कॉलेजेस में बजाता था। और हमें उस समय कि आप इंडियन ओशन शुरू हो गए थे, उस समय की बात कर रहे हैं, उससे पहले? नहीं, इंडियन ओशन मैंने ज्वाइन किया है फरवरी 1990 में, पर उस टाइम इंडियन ओशन कुछ शोज नहीं करता था, मैं किसी और लोगों के साथ बजा रहा था जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, और पाश्चात्य संगीत, रॉक इत्यादि हम लोग बजाते थे, अलग अलग कॉलेजेस में जाके परफॉर्म करते थे, और मेरे को जेब खर्च का पैसा मिल जाता था, और मैं रह रहा था अपने माँ बाप के साथ। आप एक साइड में आप आंदोलन कर रहे हैं, आप एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता, और रात के समय आप म्यूजिशियन बन गए, आप रॉक म्यूजिशियन, पाश्चात्य संगीत गाते थे लोगों के पास पैसे के लिए, ठीक जी। मैंने एक और चीज किया जिसको सुन के आपको मजा आएगा कि मैंने जागरण में बजाया 4 साल। माता का जागरण होता है ना हमारे, तो आपने सुना होगा माता का जागरण, तो उसमें मैंने गिटार बजाया है 4 साल, और उसमें मेरे को मिलते थे 250 रुपए रात के, 250 बता रहा हूँ, और 4 साल किया, बहुत मजा आया, बहुत अपने समाज के बारे में सीखा, देखा, समझा, परखा, और साथ साथ में नर्मदा आंदोलन, और फिर मैं इंडियन ओशन को मेरे ख्याल 91 फरवरी के करीब उनके साथ बजाने लग गया। और उन दिनों में मगर इंडियन ओशन के बहुत ही कम शो होते थे, मेरे ख्याल मेरा फर्स्ट पहला शो इंडियन ओशन के साथ अक्टूबर 91 में हुआ, ज्वाइन करने के 10 महीने बाद या 8 महीने बाद, और उसके बाद फिर धीरे 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 शोज नहीं होते, और होते 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 आखिरी कर जाकर 95 के बाद से इंडियन ओशन थोड़ा ज्यादा शोज करने लग गया। उसी समय तुम्हारे साथ पहले मेरा परिचय हुई थी, सुष्मित के साथ मेरा
एक एक तरह से आया, मैं उनका भाई वो पहचानता था। उसके साथ अमित की लंबी थे, अशीम जो हमारे साथ आज नहीं है, आप लोग चार मिलके एक बैंड बनाया जिसमें आप सोचा कि हम पाश्चात्य संगीत के साथ साथ हम भारतीय संगीत और भारतीय लोक संगीत इत्यादि, आप उसको एक तरह से उसका एक मिश्रण होगा, एक तरह इसका फ्यूजन होगा। तो आप कह सकते हैं इस तरह से वर यू वन ऑफ द अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूजन म्यूजिक की, आप एक तरह से जो लोकप्रियता के साथ जो पॉपुलर म्यूजिक है और साथ साथ एक फोक म्यूजिक मिक्सिंग इट फ्यूजिंग इट। देखिए ऐसा है कि मैं सच बताऊं तो मेरे को सारा बॉलीवुड का म्यूजिक फ्यूजन म्यूजिक लगता है। अगर आप मेरा नाव चिंचिंचू चिंचिंचू सुनेंगे, बिल्कुल जैज, ये तो हाँ जैज क्या, ये 1920s का चार्ल्सटन है, उसके पूरे ट्यून को लेके आपने अरेंजमेंट भी वैसे ही किया और कुछ हिंदी लिरिक्स डाल दिए उसके ऊपर। मगर आप आर डी बर्मन के गाने सुनिए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, ये हिंदी ट्यून है, भारतीय ट्यून है कि फॉरेन ट्यून है, इसमें अरेंजमेंट कैसा है। बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे हो चुका है फ्यूजन, तो मैं अपने आप के ऊपर ये उपाधि नहीं लूंगा कि हम लोगों ने शुरू किया था फ्यूजन, फ्यूजन चले आ रहा है। देखिए संगीत में फ्यूजन, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कॉटलैंड के फोक सॉन्ग्स को लेके बंगाली गाने बनाए, आपको बताऊं मैं पुरानो शै विनर को था विद लैंग साइन, यस रॉबर्ट बर्न्स द स्कॉटिश पोएट, तो उनके गाने को लेके एक्चुअली रविंद्रनाथ ने 4x4 के गाने को 6x4 का गाना कर दिया, बीट स्ट्रक्चर बदल दिया, 1 2 3 1 2 3 में कर दिया, जबकि ऑल लाइक साइन सीधे चार में है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमेशा होती हुई आ रही हैं। आप देखिए ना, गजल देख लीजिए आप, या आपका वाली देख लीजिए, या आप बहुत कुछ देखिए। जो बहुत मुश्किल है ये कहना कि शुरू कहाँ हुआ, लोक संगीत भी अलग अलग जगहों से आधारित या सीखता है, बोरो करता है, थोड़े ट्यून्स आते हैं। आप अगर पूरे हिमाचल से लेके भूटान तक एक जो उनका संगीत है, लोक संगीत हल्का 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 बदलता है मगर काफी एक जैसा भी लगता है। तो ये बहुत तो राहुल आज तुम्हारा इंटरेस्टिंग चीज है संगीत में। तुम्हारा उम्र कितना है, 56 या 57? मैं भूल गया, 57 हो जाऊंगा एक दो महीने होने वाले, कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि आप ये संगीत के साथ साथ एक तरह से राजनीति, सामाजिक विषय के ऊपर आलोचना करना, टिप्पणी करना, संजय रजौरा, वरुण ग्रोवर के साथ ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, एक तरह से आप लोगों को एक तरह मनोरंजन, प्योर एंटरटेनमेंट से आप एक तरह से आप उनको सोशल कॉन्शियसनेस, आप कुछ अलग अलग विषय में जिसमें राजनीति आ जाता है, अर्थनीति आता है, सामाजिक विषय आ जाता है, हाउ डिड दिस ट्रांजिशन हैपन? देखिए मैं जैसे आपको बता रहा था कि जब मैं स्कूल में ही था ना, तब मैं पहली बार सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ चिपको आंदोलन के इलाके में 2 हफ्ते घूमा हूँ, कुछ 250 किलोमीटर चला हूँ मैं। तो और उस टाइम अगर आप मेरे को पर्यावरणवाद बोलना चाहते हैं तो मैं पर्यावरणवादी, तो पर्यावरण के बारे में अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं और सीखना शुरू करते हैं तो उसमें अपने आप सामाजिक और राजनीतिक विषय जुड़ जाते हैं। तो इसके बारे में, और फिर ले लीजिए नर्मदा आंदोलन, उसमें भी यही है, पर्यावरण भी है, समाज सामाजिक विषय भी है, राजनीति भी है। तो ये करते हुए आ रहा हूं मैं, मगर ये कभी स्टेज पे इसको प्रकट नहीं किया था हमने। 2014 अप्रैल में मेरे ख्याल, या मई में या कुछ, मेरे को संजय रजौरा ने बोला कि यार मैं और वरुण कुछ कर रहे हैं, साथ करोगे? और मैं संजय को पिछले छह साल पहले से स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो क्या करता था। और वरुण ग्रोवर को मैं मिला नहीं था ये ऐसी तैसी ज्वाइन करने से पहले, पर उनके काम से मिला था। उन्होंने 2 गाने लिखे थे जिनके लिए हमने, अमित किलम और मैंने म्यूजिक किया था, और मुझे लगा कि भैया ये बंदा क्या लिखता है यार, मजा आ जाए। तो वहां से ऐसी तैसी डेमोक्रेसी शुरू हुई, जो बहुत ही स्पेसिफिकली हम अपने आप को सोशल कमेंटेटर कहते हैं। मई 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुन के आए, तो जी
उसी समय से आप एक तरह से आपका लेख में, आपका कॉमेडी में, आपका गाना में, आप उसको रैंक कर रहे हैं. यू आर ऑलमोस्ट वुड आई कॉल इट सैटायर, या हम कहेंगे कि आप एक तरह से उनको आलोचना कर रहे हैं. आप क्या सचमुच समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लोगों को उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, जो हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, इसके ऊपर एक तरह से कुछ पाबंदी लगा रहे हैं आजकल? ये 6 साल प्रधानमंत्री है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी. देखिए ऐसा है कि मेरे हिसाब से पाबंदी एक तरफी है. कुछ कुछ लोगों पे पाबंदी है, कुछ कुछ लोगों पे बिल्कुल पाबंदी है, ठीक है. और उन लोगों पे पाबंदी है जो शायद रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ या उसके बारे में ऐसी चीजें बोलते हैं जो वो नहीं सुनना चाहते हैं. तो वो नहीं सुनना चाहते हैं तो वो आजकल एक्चुअली पाबंदी बदल चुकी है. आजकल पाबंदी ट्रोल से भी होता है. आप अगर कुछ कहते हैं, खास करके अगर आप महिला हैं और आपने जुर्रत की हमारे सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की, तो आपके पीछे कुछ 10,000 लोग पड़ जाएंगे, आपको बलात्कार का थ्रेट देंगे, आपको खून कर देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, ये करेंगे, बोलते जाते हैं, शायद करते नहीं है पर बोलते जरूर है. और उससे जो है मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ जाता है उस इंसान पे. तो ये पहले नहीं था, क्योंकि पहले एक तो सोशल मीडिया नहीं था. आप सोचिए ना, ये व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक मेरे ख्याल 2012-13 के बाद ही शुरू हुआ है. उससे पहले इंडिया में खास था नहीं, लोगों के पास सेलफोन इतने नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे. तो ये एक नया अस्त्र, अगर आप कह सकते हैं, एक नए अस्त्र का इस्तेमाल हो रहा है. और इस अस्त्र को मोदी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने इलेक्शन में भी इस्तेमाल किया था. और आपको उन्हें दाद देना चाहिए कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्होंने ले लिया. तो आजकल जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसके बड़े सारे ग्रेजुएट हैं हमारे. रवीश कुमार के बात है, जो हमारे देश में बहुत सारे युवाओं हैं, जो उनका जो शिक्षा मिलने का मौका नहीं मिला, वो समझते हैं कि यहाँ व्हाट्सएप जो कह रहे हैं वही सच है. वो सच है या अर्ध सत्य है या झूठ है? आज भारतवर्ष में 90 करोड़ वोटर है और 40 करोड़ व्हाट्सएप का यूजर है. ये हो गया जिस तरह से हमारे सोशल मीडिया पूरा देश में फैल गया. आप देखिए सिम्स सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, हमारे देश में 135 करोड़ हमारे देश का लोकसंख्या जनसंख्या है. हमारे देश में 1,15,00,000 सिम यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है मोबाइल फोन में. यानी भारतवर्ष में ज्यादा से ज्यादा जगह में लोगों से ज्यादा सिम्स है. तो आप देखिए ना कितना पावरफुल टूल है. और जैसे हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, शुरू शुरू में लगता है कितनी अच्छी चीज है, और अच्छी तो अब भी है, मगर इसके दुरुपयोग भी होते हैं और हो रहे हैं. वो हर टेक्नोलॉजी के साथ था, इंटरनेट के साथ भी ऐसा ही हुआ, और आप किसी भी टेक्नोलॉजी को ले लो उसके साथ ऐसा होता है. और इसको पॉलिटिकली यूज करना सबसे पहले रियली बीजेपी सीखा है, और अब भी मेरे ख्याल बीजेपी का इसमें ऊपर है हाथ. राहुल, वो ज्यादा, उनकी स्प्रेड ज्यादा है. हाँ 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 ठीक कह रहे हैं. मेरा कहना है कि जो भी सत्य में रहते हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि लोग पत्रकार कहिए, आप जैसे गाना गाते हैं, आप इनका आलोचना करें, आप टिप्पणी कीजिए. इस सरकार में कुछ फर्क देख रहे हैं आप क्या? सचमुच जो उनके खिलाफ कुछ कहते हैं, एक तरह से उनके बदला लेने के लिए ये ट्रोल तैयार है, पूरा सरकार तैयार है, हमारे देश में कि माहौल बदल गया? अरे बिल्कुल बदल गया सर. ये देश वो देश नहीं जिसमें मैं बड़ा हुआ था. ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा है, और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा है. और ऐसा
ऐसा भी नहीं है ये जो इन्होंने शुरू कर दिया ना कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, अरे झूठ है यार। मगर अब ये सब लोग कहते हैं 70 साल, एक तो 70 साल मेरे ख्याल 2017 में खत्म हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें मोदी जी के भी 3 साल है और वाजपेयी साहब बेचारे 5 साल और 13 दिन जब रहे थे उनके भी हैं इसमें, मगर 70 साल उन्होंने लगा दिया। अब सब लोग कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो जवाब उनसे पूछते हैं कि कुछ का क्या मतलब है, खास बोल नहीं पाते वो लोग, क्योंकि जब आप कहते हो जी सेल फोन भी 70 साल में ही आए थे और इंटरनेट भी आया था और बहुत सारे कुछ IIT बने थे और ये हुआ था और वो, तो बहुत कुछ हुआ था, और आप जब उन्हें 57 के आंकड़े सुनाते हो कि कितने लोग शिक्षित थे और कितने लोग थे और कितनी गरीबी थी, तो ये सब वो सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें घुसा दिया है दिमाग में कि पहले कुछ नहीं था। अब ये हो गया है कि लोग एक झूठ को, अगर आप ये तो गोयबेल्स साहब बोल गए हैं जो कि हिटलर के क्या कहूंगा प्रोपेगेंडा मिनिस्टर टाइप थे, प्रोपेगेंडा चीफ, उन्होंने कह दिया कि अगर आप एक झूठ को हजारों बार बोलो तो वो सच हो जाता है लोगों के दिमाग में, राहुल, और ये हो रहा है और ये किए जा रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे देश के हर एक चीज के ऊपर कब्जा चाहते हैं, और कब्जा इसलिए चाहते हैं, मेरे को लोग गलत सोचते हैं कि ये कब्जा इसलिए चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक्चुअली नहीं, हिंदू लोग इतने मूर्ख नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र की शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक फासिस्टवाद तरफ हमारा देश बढ़ रहा है धीरे। मैं रोक रहा हूं आपको, आपने हिटलर का प्रोपेगेंडिस्ट गोयबेल्स का नाम किया, आपने हिटलर का नाम किया, आप क्या सचमुच हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जर्मनी का जो उस समय का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर को आप तुलना कर सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे को तुलना करने की जरूरत नहीं है, देखिए हर डिक्टेटर अलग होता है, हर वाना बी डिक्टेटर अलग होता है, हमारे दुनिया में आज कितने सारे वांट टू बी डिक्टेटर हैं, टर्की ले लीजिए आप, हंगरी ले लीजिए आप, पुटिन ले लीजिए आप, बोलिसनारो ले लीजिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का डिक्टेटरशिप की खास वो टेंडेंसी नहीं दिख, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मोदी जी हिटलर हैं, मैं तो बिल्कुल ये कहना ही नहीं चाहता हूं, मैं कहता हूं कि आज बदल गया है मामला, एक नए किस्म के फासिस्टवाद आ रहे हैं, और ये लोग क्योंकि 80 साल बीत चुके भाई, टाइम आगे बढ़ चुका है, अब जैसे हम लोग कहते हैं कि अनस्टेटेड इमरजेंसी है आज, कि सरकार कभी भी कोई भी रूल पास कर सकता है, और इसका ऑपोजिशन, एक तो ऑपोजिशन हमारी बिल्कुल ही टूटी बिखरी सी है, बहुत सुंदर सा 400 सीट का मैंडेट मोदी जी को मिला है सपोर्टिव पार्टीज के साथ जुड़ा के, NDA को अगर आप लें, कितना कुछ अच्छा हो सकता था देश के लिए, और बहुत लोगों की आशाएं शायद थी कि देश के लिए अच्छा होगा, मगर ये हो नहीं पाया। राहुल, आपने हिटलर के बात किया और आपने हमारे देश के जो विरोधी दल है इनके बात किया, 1945 में जब दूसरी जो विश्व युद्ध खत्म होने के पहले जो नेता थे जिसका विचारधारा एकदम अलग था, रशिया का स्टालिन, अमेरिका का रूजवेल्ट, ब्रिटेन का चर्चिल, इन तीनों इकट्ठा हुए और जर्मनी, जापान, इटली के खिलाफ फासीवाद को खत्म करने के लिए, तो हमारे देश में महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं जो जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के को विरोध कर रहे हैं सब इकट्ठा आके सरकार बनाए, तो हमारे देश में वही क्या आप देख रहे हैं, जैसे आपातकालीन समय की भी आपने बात किया, उस समय जयप्रकाश नारायण भी अलग अलग विचारधारा का लोग एक साथ किया, सब लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, आपका उस समय भारतीय जनसंघ में जितने लोग थे उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, सब एक साथ हुआ, तो हमारे देश में तो ऑपोजिशन में आप तो वो यूनिटी नहीं देख रहे। सर देखो, अगर उन्हें रहना है तो उन्हें ये यूनिटी लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, आप देख रहे, आप तो जानते हो कि 1975 में और 77 में जब बना ये जनता गवर्नमेंट 1.5 साल के अंदर खत्म हो, टूट गया,
जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी वापस आ गया, वापस आ गई, बट इस समय लोकतंत्र बच गया, बच गया, शायद अब भी बच जाए। मेरे को कोई मैं ये नहीं कहता हूं कि ये है ही है कि ये होगा फासिस्ट और हमारा डिक्टेटर आ जाएगा, ऐसा शायद हम लोग इसी कोशिश में शायद लगे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हमें पसंद नहीं है फासिज्म और किसी को भी शायद पसंद नहीं होना चाहिए। आप और आशा रखता हूँ, आशा मैं रखता हूँ। बहुत अच्छा, आप आशा रखते हैं। मेरा अभी समय वक्त कम है इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बहुत लोग ट्रोल किया, जो जिन लोगों को आप कहते हैं भक्त, इन लोग आपको गाली दिया सोशल मीडिया में, आपके खिलाफ बहुत कुछ इन्होंने कहा, तो इनके इनके लिए कुछ संदेश है आपका? यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू द ट्रोल्स? वेल आई'ल टेल यू दैट आई हैव एस्केप्ड पर्सनली मोस्ट ऑफ द ट्रोलिंग बिकॉज आई एम नॉट ऑन ट्विटर। ट्विटर से मैं दूर रहता हूं, पर संजय और वरुण दोनों को काफी ट्रोल किया गया है, क्योंकि ट्विटर पे सबसे ज्यादा गालियां हमारे देश में आती है, ठीक है जी, क्योंकि ट्विटर ओपन मीडियम है, व्हाट्सएप नहीं है ओपन मीडियम, और फेसबुक में तो आप अपने पेज से लोगों को हटा सकते हो तो वो भी ओपन मीडियम नहीं है, तो मैं थोड़ा बच गया हूँ। मगर हाँ, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी ने जो अलग अलग चीजें कही हैं उससे काफी लोगों को इतराज भी हुआ है और काफी लोगों ने पसंद भी किया है। आप भौचक्के रह जाएंगे, कहाँ कहाँ के लोग मेरे को काके कहते हैं यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं एक डिफेंस सर्विसेज क्लब में बजाने गया था अपने किसी दोस्तों के साथ, वहां पे कितने आर्मी और नेवी के अफसरों ने आके कहा कि सर हम नहीं कह सकते आप जो कह रहे हो, आप प्लीज मत रोको, ये कहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या है कि लोग को डरा दिया गया, और आर्मी वाले तो बेचारे कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके उनको तो फिर पकड़ लिया जाएगा। मगर हम ऐसी चीज कह रहे हैं जो बहुत लोग कहना चाहते हैं और बहुत लोग इससे इतराज भी करते हैं, वो तो कोई नहीं, ये डेमोक्रेसी का यही तो मतलब है। कुछ लोग आपके साथ आपकी बात माने, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो बकवास है, ये जानता नहीं है, गंदा आदमी। अब पहले क्या होता था कि आप मैं जॉर्ज बुश आया था पता है इंडिया, याद है आपको 1993-94 में, उस टाइम पे भी हमने गाना बनाया था, हैं? लेके हाथों में, मैं सुना दूं, लेके हाथों में हथियार करे सारी दुनिया पे वार, वाशिंगटन नगरी से आया है बुश बेशरम, एक मिनट, अरे बोले सारे जग को झूठ। राहुल रुको, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। हाँ, हमारा गिटार कहाँ है? अच्छा यार, इसको बिना गिटार के गाता हूँ, उसके बाद गिटार के साथ। अच्छा, बहुत सुन लो ना, मैं और तुम्हें सवाल नहीं करूंगा, तुम गाना गाओ बस, ठीक है। तो लेके हाथों में हथियार करे सारी दुनिया पे वार, वॉशिंगटन नगरी से आया है बुश बेशरम, बोले सारे जग को झूठ, इच्छा क्लियर है तेल को लूट, कभी घुसने न देना इस बुश को अपने देश, इंडिया में क्यों आए ये घोर पापी, जंजाल में फंस जाए कांग्रेस पार्टी, इंडिया में क्यों आए ये घोर पापी, जंजाल में फंस जाए कांग्रेस पार्टी, ओ मन्नू मन्नू अपने जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, ओ मन्नू इस बुशवे से डर, ऐसा सौदा तू ना कर, वॉशिंगटन नगरी से आया है बुश बेशरम। अब आप देखिए कि उस टाइम पे हमने ये गाना बनाया और हमें अलग अलग चैनल पे बुलाया गया कि आप ये गाना गाएं। आज आप देख सकते हो ये होते हुए, और उस आज समय, कोई उस नहीं समय जो भारतीय जनता पार्टी में थे वो ताली बजाया आपको, बोला वाह वाह राहुल राम, डॉक्टर राहुल नरसिम्हा राम, कितना अच्छा आपने गाया। अगर आज ये चैनल आपको ऐसा गाना गाने देंगे, अगर आप इस तरह से उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से, आज जो प्रधानमंत्री है इनके खिलाफ अगर ऐसा आप उनको वैंग करके, उसको आप उसको टिप्पणी करके आलोचना करें, आप अगर गाना गाएंगे, आपको कोई देंगे, कोई टीवी चैनल तुम आपको बुलाएंगे, तुम्हें बुलाएंगे? नहीं जी, नहीं जी, नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, यह बदला है माहौल, यूं बदला है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दे तो उसको आजकल एंटी नेशनल बोला जाता है, देशद्रोह, कंफ्यूजन। देखो मेरे को
इमरजेंसी का याद है डीटीसी के बसों के पीछे लिखा रहता था इंडिया इज इंदिरा, याद है आपको? नहीं 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 गलत बोल रहे हो, देवकंत बरुआ ने कहा इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। डीटीसी बस के पीछे लिखा था नेशन इज ऑन द मूव, रूमर मॉन्गर्स आर एनिमीज ऑफ द नेशन। तो उस समय नो, बट इंडिया इज इंदिरा वॉज ऑल्सो देयर एज अ स्लोगन इन लॉट्स ऑफ प्लेसेस। ठीक ठीक। अब आप देखो दैट सिमिलरली इफ यू से एनीथिंग अगेंस्ट मोदी जी यू आर कॉल्ड एंटी नेशनल। देयर इज अ कंफ्यूजन ऑफ द पर्सन विद द पोस्ट एंड देयर इज कन्फ्लेशन की सिर्फ अच्छा चीज करो क्योंकि जो भी मोदी जी करते हैं वो देश की भलाई के लिए करते हैं। और यही लोग अब कहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, जबकि इलेक्शन के पहले 2013 और 14 में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बहुत कुछ बोला जा रहा था। तो ये तो देखो ये राजनीतिक चीज है, ये छोड़ दो, ये हर साइड करता है। मगर जो सीरियसनेस से लोगों को अंदर डाला जा रहा है, लोगों को चुप किया जा रहा है, जिस तरफ से तरह से मीडिया को पकड़ लिया गया है, जकड़ लिया गया है, बहुत आसान है यार। आपको क्या कहना है कि हम सरकारी एडवर्टाइजमेंट आपके न्यूज़पेपर को नहीं देंगे? बस न्यूज़पेपर चुप, आपके चैनल पे रेड लगवा देंगे, चैनल चुप, आसान बात, बहुत आसान बात है और ये किया जा रहा है। तो आपको तो आपके वहां कुछ तो आपका तो अभी तक किसी ने बंद तो नहीं कर पाया ना? हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूं हम अभी तक फासिस्टवाद पूरी तरह नहीं बने हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। चलिए, हो सकता है बंद करा दें। मेरी तो इच्छा है कि नहीं बंद कराए, क्योंकि एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंगली मोदी जी ने खुद कहा है कि व्यंग और हंसना अच्छी चीज, कॉमेडी अच्छी चीज। एक गाना सुना दो, अभी एक गिटार लेके एक गाना सुना दो। मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ, ये प्लीज डेडिकेटेड टू मोदी जी। और मोदी जी खास, मैं आपके दो तीन समवन एल्स टू अमित शाह जी। एक्चुअली नो, I don't want to dedicate it to anybody. I want to dedicate it to my country. वाह रे वाह, आप देशद्रोही होके आप देशभक्त बनने चाहते हैं, ठीक? सही सही बात है। आजकल ये देश है तीर कमानों का, गौशालों का, संग वालों का। इस देश के यारों लग गए बड़े मोटे मोटे, लग गए हैं बड़े मोटे मोटे, लग गए हैं। ये देश है तीर कमानों का, गौशालों का, संग वालों का। इस देश के यारों लग गए हैं बड़े मोटे मोटे, लग गए हैं। यहाँ चौड़ी छाती पीएम की, यहाँ चौड़ी छाती पीएम की, और बातें की गवर्नेंस की। यहाँ राम का ज्ञापन, श्री राम का ज्ञापन होता है, यहाँ व्यापम ज्ञापन होता है। जो हिंदू है वो शबनम है, और मुस्लिम है तो शोला है। यहाँ नित नित दंगे होते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे होते हैं। ये देश था वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। अब इंटॉलरेंस का थिएटर है, जिसका कुरुक्षेत्र ट्विटर है। भक्तों की कितारें क्या कहना, इनका धमकाना क्या कहना। इनको समझा के सकते हैं हम, इनको समझा के सकते हैं।